तो जैसे लिंक में क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट एक ऑफिशियल साइट पे चल जाइएगा। यहाँ पे आपको अपना लिंक भी डालना है एंड यहाँ पे गेट वॉच टाइम में क्लिक करना है और ऑटोमेटिक जो है आपके यूट्यूब चैनल पे वॉच टाइम आना चालू हो जाएगा। सो YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 4000 घंटा का वॉच टाइम चाहिए होता है, जो कि सुनने में काफी बड़ा लगता है, लेकिन अगर ये वीडियो आप लास्ट से देखिएगा तो इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक आपके साथ शेयर किया हूं जिसको अगर आप यूज कीजिएगा अपने YouTube चैनल पे तो आपका जो है 4000 घंटा का वॉच टाइम है वो एक मंथ के अंदर 100% मैं गारंटी देता हूँ फ्री में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, उतना ही इंटरेस्टिंग ये ट्रिक है आज तक YouTube में किसी ने नहीं बताया। वीडियो को जो लास्ट देखिएगा, वीडियो देखने पहले भाई को जान लीजिए, भाई का नाम है अमन और आप देख रहे हैं आपका हमारा प्यारा YouTube चैनल लाइकली टॉपिक्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिएगा आज फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो ट्रिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सभी के लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला है। अगर आपके YouTube चैनल पे 100+ वीडियो अपलोड है तो ये वीडियो का आप देखिए, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, लेकिन अगर 100 से कम वीडियो है, 50, 40, 30 वीडियो है तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। आपका YouTube चैनल पे वॉच टाइम नहीं इंक्रीज होगा इस वीडियो को देखने के बाद। जिसका 100+ वीडियो है वो कंटिन्यू रहिए। सो आपको मैं बताता हूँ कौन सा ट्रिक है। तो यहाँ मैंने पर्सनली अपना जो है लाइकली टॉपिक ऑफिशियल चैनल को लेकर दिखाया, आपको डिस्प्ले में चल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अपने चैनल के बारे में तो 400+ वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आपके भी चैनल पे 100+ वीडियो मिनिमम होना चाहिए, 100+ वीडियो। तो यहाँ पे मैं अपना ही चैनल को लेकर दिखा रहा हूँ। सो आपको अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी दिख रहा होगा, तो आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल का प्ले लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्ले लिस्ट में भी कुछ काम करना है, वो अभी मैं बताऊंगा, तो लास्ट तक जो देखिएगा स्किप मत कीजिएगा। सो आपको प्ले लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट करता हूं, मैं हर वीडियो का जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता हूं, क्योंकि हर एक अच्छे YouTube चैनल का पहचान होता है कि उनके प्लेलिस्ट क्रिएट होता है। क्योंकि अगर कोई नया व्यूअर, अगर नया विजिटर विजिट करेगा उसके YouTube चैनल पे, तो उसका प्लेलिस्ट देख के उसका ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो वॉच करेगा। लाइक अगर मैंने YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने का ट्रिक्स दिया है, तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए इसके ऊपर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया। आप अगर कुछ प्लेलिस्ट चेकआउट करना चाहते हैं तो मेरा बहुत सारा प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो यहां पे मैंने बहुत सारा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूं, तो कोई एक प्लेलिस्ट को मैं ले लूंगा। तो यहां पे मैं ले लेता हूं अनबॉक्सिंग का, मैं प्लेलिस्ट ले लेता हूं जिसमें मैंने 33 वीडियो अपलोड किया है। तो यहां पे आपको प्लेलिस्ट पे करना क्या है, तो यहां पे सबसे पहले उस साइड में 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट में क्लिक करना है, शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड यहां पे कॉपी लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला काम आपको अपना लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट आपको आना है क्रोम ब्राउजर या फिर कोई अदर ब्राउजर पे। यहां पे आने के बाद आपको सर्च करना है कैलकुलेट YouTube प्लेलिस्ट टाइम, याद रहे कैलकुलेट YouTube प्लेलिस्ट टाइम आपको सर्च करना है कोई ब्राउजर पे जाके। सबसे ऊपर में जो टॉप लिंक देखने को मिलेगा उस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे लिंक कीजिएगा तो इसका ऑफिशियल जो है वेबसाइट खुल जाएगा। सो यहां पे YouTube प्लेलिस्ट लेंथ जो है बोल के एक वेबसाइट खुल चुका है। यहां पे बोल रहा है कि अपना जो है प्लेलिस्ट का URL डालने के लिए, तो जो आपने अपने YouTube चैनल का प्लेलिस्ट का कॉपी किया था URL यहां पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गेट लेंथ में क्लिक कर देना है। जैसे गेट लेंथ में क्लिक कीजिएगा तो यहां पे आपको पूरा प्लेलिस्ट का डिटेल शो करेगा, आपकी प्लेलिस्ट में कितना वीडियो है, 33 वीडियो है, आपका जो एवरेज वीडियो लेंथ कितना है, 5 मिनट 10 सेकंड मेरा एवरेज वीडियो लेंथ है, टोटल लेंथ प्लेलिस्ट बात करें तो 2 आवर 50 मिनट्स 55 सेकंड का यहां पे हमारा प्लेलिस्ट है पूरा। एंड यहां पे अगर हम इसी को जो है 1.25x स्पीड में चलाते हैं तो 2 आवर 16 मिनट्स एंड 44 सेकंड्स यहां पे जो हमारा आवर वॉच टाइम मिलेगा। सो ये हमारा पूरा डिटेल्स दे रहा है कि हमारा वॉच टाइम कितना मिलेगा। तो आपको जो है अब यहां पे क्या करना होगा, तो मैं पहले एक वीडियो बनाया था जिसके कमेंट बॉक्स में बोल रहा था भाई यहां पे एक ही मोबाइल है, मैं वॉच टाइम पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाऊं। तो आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट जैसे क्रिएट कर लिए तो आपको अपने प्लेलिस्ट प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद VPN चेंज करने का बहुत सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। VPN कैसे चेंज करते हैं आपको YouTube में बहुत वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, शॉर्ट वे में बताता हूं अब यहां से आपको क्या करना है। सो आप जैसे जाइएगा प्ले स्टोर में कोई भी VPN एप्लीकेशन जो है VPN चेंजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अपना लोकेशन चेंज करना है। लाइक अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं पाकिस्तान या फिर अदर कंट्री को टारगेट करके वहां अपना लोकेशन कर लूंगा। एंड यहां पे करने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर के साइड वाला जो है एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा जहां पे डार्क वेब या फिर कुछ हम अलग तरीका से सर्च कर सकते हैं, जहां पे इग्निटो बोल के एक ऑप्शन है जहां पे आपका हिस्ट्री नहीं सर्च होता है, आपको डिस्प्ले में भी देखने को मिल रहा होगा कहां पे वो मिलता है। अगर उस पे आप कुछ कोई भी चीज सर्च करते हैं तो आपके हिस्ट्री में नहीं रहता है, तो वहां पे जाके अपना जो है अपने प्लेलिस्ट का जो है डालना है अपना जो है प्लेलिस्ट का लिंक। लिंक जैसे डाल दीजिएगा तो पूरा वीडियो आ जाएगा अपने प्लेलिस्ट
को आप प्ले कीजिएगा। यहाँ पे आप आईपी एड्रेस एंड जो है अपना लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका आईपी एड्रेस चेंज करना उतना जरूरी नहीं है, आप बस लोकेशन चेंज करके जो है ये चीज कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है, कोई थर्ड मोबाइल से ये ट्रिक करते हैं, तो आपके आपका जो है सोने में सुहागा वाला सीन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो यही करना है और अपने यूट्यूब चैनल पर वॉच टाइम इंक्रीज करना है मोनेटाइजेशन करने के लिए, काफी अच्छा ट्रिक है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कीजिए ऑल में प्रेस, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रहिएगा। सो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।